हेलो भाई, कैसे हो? बस प्रदीप भाई ठीक है। आप सुनो। बस बढ़िया। तो एक बार भाई अपना नाम बताओ पूरा। मेरा नाम प्रदीप भाई प्रभु परमार है। प्रभु परमार जी। ओके। और रहने वाले यहाँ पुणे से ही हो? हाँ, मैं वैसे तो प्रॉपर राजस्थान का हूँ, लेकिन अभी कई सालों से फैमिली वाले यहीं पे बसे हुए हैं। तो कितना टाइम हो गया पुणे में रहते हुए? पुणे में ऐसा समझो कि मेरे जन्म के बाद से मैं पुणे में ही हूँ। 30 साल। क्या उम्र है आपकी अभी? मेरी 32 ईयर है। 32 ईयर है जी प्रदीप भाई। तो भाई कैसे लगा घोड़ी का शौक आपको? घोड़ी का शौक तो प्रदीप भाई ऐसे है कि बचपन से ही था। जहाँ पे हम लोग रहते थे ना, वहाँ पे टांगों वालों के घोड़े घुमा करते थे। टांगे वालों के जी। तो वो देख देख के शौक जगा। फिर स्कूल में जाने लगे तो हमारे स्कूल के क्या है, रोड पे रेस कोर्स बना हुआ है, पूना का रेस कोर्स। ओके। तो वहाँ पे भी रोज घोड़े ही देखते थे, तो वैसे शौक लग गया। तो कितना टाइम हो गया आपको घोड़ी रखते हुए? मुझे प्रदीप भाई अभी 15 से 16 महीने होने को आए। 15 से 16 महीने। हाँ, मैं खुद घोड़ी रख रहा हूँ। तो ये एक ही घोड़ी रखते हो सिर्फ? हाँ, ये एक ही घोड़ी है और अपने पास एक पोनी है और एक नुकरा है। नुकरा है जी। तो ये घोड़ी क्या उम्र है इस घोड़ी की? इस घोड़ी की उम्र प्रदीप भाई अभी 25 महीने से खत्म हो गए हैं। 25 महीने खत्म हो गए? हाँ, 26 महीने चालू, मतलब मिल्क तीत में ही है अभी। मिल्क तीत में जी। और किस घोड़े की बच्ची है ये? शिवराज की है। शिवराज घोड़े की जी। ओके। शिवराज घोड़ा कौन सा? शिवराज घोड़ा जो अपना रत्नाकर लाइन का है। अच्छा, राज कलर। ओके। कितना टाइम हो गया अपने पास में इसको? इसको मेरे टाइम में प्रदीप भाई अभी 15 से 16 महीने होने आए। 15 से 16 महीने। हाँ। तो वैसे क्या क्या काम करते हो वैसे घोड़े? वैसे घोड़ों के अलावा प्रदीप भाई अपने शॉप से मेडिकल और सुपर मार्केट के। ओके। वही करते हैं। तो उससे कैसे टाइम निकालते हो फिर? अभी घोड़ा ऐसी चीज है प्रदीप भाई, टाइम तो निकल जाता है अपने आप। अच्छा, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन घोड़े के लिए देना ही देना है। तो एक घोड़े के लिए इतना टाइम बेकार करना आपके लिए सही है कि शौक पूरा हो रहा है? अभी प्रदीप भाई लोग इसे बेकार भी समझते हैं, लेकिन अपने शौक से बढ़कर कुछ और नहीं है। बोलते होंगे ना रिश्तेदार वगैरह, आसपास के लोग? हाँ, बोलते हैं आसपास के कि क्या शौक लगा के रखा है, ये घोड़े में क्या रखा है। लेकिन अभी सबके अपने अलग अलग शौक होते हैं। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को घर बनाने का शौक होता है, किसी को कुछ और होता है। अपने को बस घोड़ा रखने का शौक है। तो यानी कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर देखते हो आप घोड़ों में? यानी कुछ करने का इरादा है आगे घोड़ों में? घोड़ों में तो प्रदीप भाई शौक ही पूरा करना है। नहीं नहीं, शौक पूरा करते करते मैं मारवाड़ी नस्ल जो है इसको समझना चाहता हूँ कि एक्चुअली में है क्या ये। तो कौन समझाएगा तुमको उसके बारे में? अभी वो प्रदीप भाई ये सब बड़े बड़े जो ब्रीडर है वो नहीं समझाने वाले तुमको। तो उनको समझाना चाहिए प्रदीप भाई। नहीं, वो समझाएंगे, वो समझाएंगे तो उनकी दुकान थोड़ी बंद करनी है उनको भाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वीडियोस में बोलते हैं कि नए लोगों को घोड़ों का शौक लग रहा है, अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिनको मारवाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत समझ है ना, वो इंटरव्यू ही नहीं देते। अच्छा। वो इंटरव्यू इसलिए नहीं देते कि लोगों को समझ ना आ जाए, क्योंकि लोगों को समझ आ जाएगी तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम भी करते करते सीख जाएंगे कहीं ना कहीं से, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना। एक्चुअल में देखा जाए ना तो मारवाड़ी है क्या ये आज के टाइम में किसी को भी नहीं पता। ये बात सही है। आप अगर 100 लोगों को पूछते हो गए ना, चलो मैं तो छोड़ो, मैं तो हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, अगर आप 100 को पूछोगे ना, 100 लोग आपको अलग अलग ही सलाह देंगे। ये बात सही है आपकी। आपको एक बात बताओ प्रदीप भाई, जब मैंने ये बच्ची परचेस की थी, मैंने फेसबुक पे देख के परचेस की थी। ओके। और तुरंत मेरे बंदे को भेजा वहाँ पे, सामने लेके अकाउंट में पैसे भेजे और हमने घोड़ी मंगा ली। बिल्कुल। उस टाइम पे कोरोना का प्रेट चल रहा था, तो कहीं पे आ नहीं जा नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो जैसे ये घोड़ी आई, तो मैं पहले जिन ब्रीडरों से बात करता था या अपने मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में लोग है जो कुछ, उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। ब्रीडर थे टॉप लेवल के, सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल? सेकंड लेवल, सेकंड और थर्ड। ओके। क्योंकि टॉप लेवल के ब्रीडर तो अपने जैसे लोगों से बात ही नहीं करते। बिल्कुल। जो सेकंड है और जो नीचे के थर्ड है वो लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो उनमें से गिने चुनों को मैंने फोन पे बात करके उनसे सलाह वगैरह ली थी। तो जब मैंने ये घोड़ी परचेस की तो उनको फोटो भेजा कि भाई साहब मैंने ये घोड़ी खरीदी है। Okay. तो किसी ने इस घोड़ी में क्या कमी निकाली, किसी ने बोला ब्यूटीफुल नहीं है, किसी ने बोला नेक नहीं है, किसी ने बोला घोड़ी आपने उनसे नहीं ली होगी या तो है ना? नहीं नहीं नहीं, घोड़ी उनसे नहीं, मैंने एक बनासकांठा के पास देसा गांव है वहां पे किसान से ली थी। अच्छा अच्छा, उनसे लेते तो कमी नहीं निकालते? हाँ, उनसे लेते तो आपकी घोड़ी अभी जैसे आप 3 लाख में ले रहे हो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 3 लाख में ले रहे हो, सर 3 लाख की घोड़ी अभी ले लो, आने वाले 6 महीने में 12 लाख की होगी। तो कभी अपनी घोड़ी भी सेटिंग करने की सोची कि जैसे आप उनसे बात करते तो भाई अपने पास में एक घोड़ी खड़ी है वो लो तुम? नहीं नहीं प्रदीप भाई, अपन ने कभी सेल के हिसाब से बात की नहीं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कभी आपको बोला कि ऐसे जब आपने घोड़ी की फोटो उनको भेजी होगी तो उन्होंने भी तो ये बोला होगा कि भाई हमारे पास में भी एक घोड़ी खड़ी है ये लो? नहीं नहीं, उसके बाद वो ज्यादा एंटरटेनमेंट करते नहीं थे, जब तक घोड़ी नहीं ली थी ना। अच्छा। उसके पहले फोन मैसेज चालू रहते थे। अच्छा। जैसे ही घोड़ी ले ली तो पता चल गया, पर उनको समझ में आ गया ग्राहक नहीं फंसेगा कि ये बंदा अभी अपने पास आने वाला है, इसने तो ले ली है। तो उसके बाद से उनके कॉन्टेक्ट कम हो गए, फिर बात नहीं करते थे।
नहीं कभी कभार, महीने दो महीने में कभी एक आध बार कॉल किया तो उठाते थे, रिप्लाई करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। नहीं करते थे, नहीं करते थे, क्योंकि घोड़ी नहीं ली उनसे। नहीं ली। तो आप इस मार्केट में जैसे कि कितना टाइम हो गया वैसे आपको आए हुए? 14 से 15 महीने ही पकड़ लो, क्योंकि घोड़ी लेने एक तरीके से फ्रेशर हो आप, है ना। हाँ। तो अगर बात करें, अपन अधिकतर वीडियो बनाते हैं फ्रेशर के ऊपर जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या समझ में आया अभी तक, यानी क्या गणित समझ में आया 15 महीने में, क्या समझा आपने कि नया आदमी इस मार्केट में आके सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसको खाली वीडियो देख के खुश होना चाहिए, या फिर अच्छा फोन लेके उस पर सुबह शाम वीडियो देखने चाहिए, क्या समझ में आया आपको? पहली बात तो जो अपने मिडिल क्लास के बंदे हैं, जो घोड़ा रखना नहीं मतलब नहीं रख सकते, उनके कॉस्ट से बाहर जाता है घोड़ा, तो उन्होंने तो बस आपके वीडियोस देखने चाहिए और यहाँ वहाँ जो घोड़े हैं वो जाके देख के अपना दिल बहला लेना चाहिए। बिल्कुल। और सेकंड बात, जो ये लोग सोचते हैं अभी, तो एक तो फेसबुक पे ये नया ट्रेंड चालू हुआ है बिग डील, बिग डील, तो बिग डील के चक्कर में क्या हो रहा है अभी कि घोड़ों के रेट एकदम बढ़ गए। जो 2 लाख रुपए में जिसके पास घोड़ा मिलता था, आज वो आदमी 7 लाख रुपए प्राइस बताता है। 7 लाख रुपए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बंदे के पास ऑलमोस्ट 3-4 बच्चे थे जिसकी प्राइस पूछी, कोई 1.5 का, कोई 2 का, कोई 2.5 का, आज उसका सब 5 के ऊपर है। तो अभी नया बंदा तो ये फेसबुक पे सब बिग डील वगैरह देख के प्राइस सुन के ही डर जाएगा। कभी कभार बिग डील जब होती है तो कभी कभार लगता है कि यार हम भी ऊंची रेट में घोड़े बेचे हैं यार। नहीं नहीं प्रदीप भाई, अपने को लगता ही नहीं। 7 वाले घोड़े वाले हैं अपने, जैसे कि दोस्त वगैरह घोड़े वाले, घोड़े वगैरह से हॉर्स लवर है 7 वाले। हाँ है ना, 7 वाले हॉर्स लवर। बोलते कि यार ये बिग डील होती है यहाँ तो घोड़ा मार्केट में बहुत, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। नहीं नहीं, ऐसे मेरे पास 2-3 ब्रोकर लोगों से मेरी पहचान हुई, राजस्थान के थे ना, तो राजस्थान के होने की वजह से मेरी पहचान हुई, तो मैंने उनसे 1-2 बार पर्सनली पूछा कि सच में क्या घोड़े इतने महंगे बिकते हैं क्या, तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार ये तो 8 लाख में खरीदा है, उसको 15 में चिपकाया है, 21 में चिपकाया है। अच्छा कोई घोड़ा 21 में लिया है तो बोले उसने 41 लाख रुपए प्राइस बोली है। अच्छा, अगर 8 का 15 में किसी को देते तो उसका मतलब ये कि चिपकाया है, चिपकाया है, ये प्रॉपर वर्ड है। अच्छा, कि उसको चिपकाया है ऐसे। और क्या समझ में आया घोड़ा मार्केट में आने के बाद, और आपको क्या लगता है कि जो नए लोग हैं जो इस मार्केट में अभी उतर रहे हैं वो क्या सावधानी बरते हैं, क्योंकि आपको 15 मंथ हो चुके हैं इस मार्केट में आए हुए जी, तो चलो आपके पास में घोड़ा एक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदमी के पास एक्सपीरियंस जो 15 मंथ का है, वो एक नया आदमी जो घोड़ा मार्केट में अभी तक उतरा नहीं है और जो अभी उतरने की तैयारी में, तो उसके लिए मेरे को लगता है 15 मंथ का एक्सपीरियंस बहुत होता है। पहली बात तो जो 90% लोग है वो घोड़ा मार्केट में इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि वो फेसबुक और ये वीडियोस देखते कि अरे ये महंगा बिका ये इतना, इसलिए मैं भी एक घोड़ी खरीद लूंगा, कोई फलाना घोड़ा क्रॉसिंग करवा के मैं भी 5-10 लाख का बच्चा बेचूंगा। बिल्कुल। तो ये फिराक में कभी घोड़ा ना खरीदिए, क्योंकि ये फिराक में खरीदोगे 6 महीने में आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग दुकान चलाने के हिसाब से ये घोड़ा खरीद रहे, इसलिए उनके लिए ये वर्ड है कि दुकान बंद हो जाएगी। बचे 10% लोग है जो सच में घोड़ों से प्यार करते हैं, उनके बस की बात में अब घोड़ा रहा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ये सब बिग डील और ये सब वीडियोस देखने के बाद, मैं पहले जालौर वगैरह साइड में फोन करता था तो वहां पे मुझे 2 लाख 2.5 लाख के ऐसे प्राइस सुनने मिलती थी, बट आजकल वहां पे 11 लाख 21 लाख मतलब मजाक बना के रख दिया है। अच्छा, पंडित जी वाला रेट पता लग गया उधर भी। हाँ, कि भाई सामने वाले का 50 में बिका है तो मेरा तो 11 में चिपक ही जाएगा। 11 में क्यों, तू बोले 25 करोड़ में बेचना? नहीं, क्योंकि उसका फार्म नहीं है ना। अच्छा, फार्म वाले का रहेगा तो 50 में चिपकेगा, तो पहले फार्म बना ले फिर 25 करोड़ में बेच। फार्म बनाने लायक रहेगा तो घोड़ा पालने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल जो लोग बड़े बड़े लोग फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधा तो फार्म का चार्ज ही मार देते ऐसे लगता है मुझे। वो तो फिर यार सब लगता ना, तो फार्म का चार्ज हो गया। हाँ हाँ, वो उसकी तरह ही जैसे घर का बनाते ना, तो घर का पानी का बिल, बिजली का बिल, वो हाँ सब हाँ कुछ इंक्लूड हो तो, गया फिर बच्चा। तो आप लोग है ना वीडियो में पहले ही डिक्लेयर कर दो ना कि आई एम नॉट अ हॉर्स लवर, मैं व्यापारी हूँ। नहीं तो कैसे, ऐसे कैसे कह दे, फिर ऐसे कह देगा तो फिर जो बेचारे नए आदमी उसके चंगुल में कैसे आएंगे? नहीं नहीं, फिर वो तो करना पड़ेगा जब आपको बिजली का बिल वगैरह सब लगाना है ना। कभी कभी आपने सुना कि चोर ने अपने आप को चोर बोला? नहीं सुना तो नहीं है। इस घोड़ा मार्केट में चोर हमेशा अपने आप को ईमानदारी बोलता है, कैमरे के सामने आके इतनी ईमानदारी से बात करता ना कि नए आदमी उसी के लपेटे में सबसे ज्यादा आता। लेकिन एक बात बता दो प्रदीप भाई, जब वो कैमरे के सामने आके बात करता ना ऐसे, तो नए लोग भले ही सुनते रहेंगे, लेकिन पीछे के 10 लोग जो रहते हैं ना वो बोल देते कि साला इसने तो खुद के घोड़े का बच्चा बना के फलाना घोड़ा बेचता है। भाई वो बोल तो देते, पर यार वो जो नए लोग होते हैं ना वो 3-4 तो लपेटे में आ ही जाते हैं। नहीं नहीं, अब मुझे लगता नहीं अभी नए लोग लपेटे में आएंगे। अरे आते भाई, क्या बात कर रहे हो। तो आते तो उनकी गलती है प्रतिभा, सबसे बड़ी चंबी घोड़िया लोग 80,000 की घोड़ी 8 लाख में बेच देते, रिसेंटली 6 दिन पहले का ही मैटर है। अच्छा, हाँ तो नए लोगों को ही समझना पड़ेगा ना, तो इसलिए जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से बच्चा वगैरह भी लें तो एक बार को तो DNA करा हुआ ही लें, सबसे बेहतर है नए लोगों के लिए।
बाकी को तो क्या कि अगर लंका डुबानी है फिर तो वो डूबेगी, वो कोई भी नहीं। और एक बात बोलना चाहूंगा प्रदीप भाई, मैं आपके वीडियो से बिल्कुल कि ये जो लाइन हाइट पंचकल्याण देवमन ये सब चक्रों में पड़े ना तो अच्छा है, बिल्कुल, क्योंकि ये सब चक्कर में पड़ने से ना अच्छा वाला घोड़ा छूट जाता है। इनके चक्कर में तो पड़ना देखो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देखो सब ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाले की चीज़ों में अगर इंसान कमी निकाले तो मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है। अब ये है कि अगर कोई बंदा अगर शौक से जैसे आप एक घोड़ी रख रहे हो जी, अभी आपसे कोई पूछे कि हाइट क्या है, आप बोलोगे 58, 59, 60 है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा मेरे को लगता है ना। नहीं मैंने तो अभी तक हाइट मापी भी नहीं और मुझे पता भी नहीं हाइट कैसे मापते हैं, क्योंकि है ना कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप अपने शौक से रख रहे हो, आपको कोई बेचनी तो है नहीं, नहीं है ना, बेचोगे जबकि जब देखी जाएगी। और ज्यादा घोड़े हो जाएंगे उसके बाद की उसके बच्चे वगैरह देखेंगे और वो अपना प्राइस उस टाइम भी वो वाला नहीं रहेगा 11 लाख 10 लाख। बिल्कुल मेरा तो एक नॉर्मल आदमी खरीद सके उतना प्राइस रहेगा। बाकी क्या देते हो अभी इसको डाइट में? इसको प्रतिभा हमारा बार्ली जौ गेहूं का भूसा और चने। और क्या शेड्यूल रहता है इसका सुबह से शाम? शेड्यूल तो प्रतिभा इसका सुबह ऐसे रहता है कि 6 बजे इसको हम लोग यहाँ पे लंचिंग देते हैं, लंचिंग कराते हैं और शाम के टाइम पे खुला छोड़ देते हैं। तो ये अपने इसका जो लोटना वगैरह रहता है वो कर लेती है, फिर इसको 7:30 बजे दाना देते हैं, तो इसका 9:30-10 बजे तक दाना खत्म हो जाता है। फिर 11 बजे निकलते हैं इसकी मालिश के लिए, तो प्रॉपर 1 घंटा इसकी मालिश होती है। और वो मालिश भी ऐसी नहीं कि नॉर्मल किसी ने हाथ ये कर दिया और हो गई मालिश, बिल्कुल अपने घोड़ा रखा है शौक से तो फिर उसका काम भी उस हिसाब से होना चाहिए, टाइम टू टाइम सूम वगैरह बनवाना नहीं, सब चीज घोड़ी में लेंथ वगैरह भी घोड़ी की अच्छी है और चमक भी अच्छी है घोड़ी में। नहीं जिनको मैंने घोड़ी ली जब फोटो भेजा था ना उस टाइम, अभी जब बन गई है तब अभी के फोटोज भी शेयर किए। फिर देखो यार आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, कभी भी मेरे को लगता है कि जैसे आपके पास में मान के चलो छोटी लेंथ की भी घोड़ी है, अगर हाइट में भी छोटी है, तो मैं तो यही बोलूंगा सारे घोड़े वालों को कि सामने वाले का हौसला ही बढ़ाना चाहिए। जी जी, क्योंकि सामने वाले ने अगर घोड़ी पाली है तो उसको कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा, तभी पाल रहा है ना वो, और उसमें जाके मैं बोल दूं यार भाई घोड़ी तो छोटी हाइट की निकाल दो, तो उससे क्या होता है सामने वाले का मनोबल टूटता है। मेरे को लगता है कि लोगों को एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना चाहिए तभी शौक आगे बढ़ेगा, और लूट मचानी है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, अपन तो लूट मचानी है, बाकी का जो करना है वो लोगों को। लुटाने वाले बैठे भी बहुत हैं बस। बाकी क्या नाम रख रखा है इसका? इसका प्रदीप भाई देवयानी नाम है। देवयानी जी प्रदीप भाई। ओके थैंक यू भाई। ओके थैंक यू प्रदीप भाई।